एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफईडी अंडर द कॉरेस्पोंडेंस एबीसी इज कॉरेस्पोंडेड टू एफईडी, राइट ऑल द कॉरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स। अगर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफईडी का और एबीसी कॉरेस्पोंडेड है एफईडी का, तो आप बताइए इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। देखिए, जैसे कि ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एफईडी, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफईडी में आपको यहाँ पे फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इन दोनों के ऑर्डर से भी बता सकते हैं कि कौन किसका कॉरेस्पोंडिंग है। तो कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स का मतलब है जैसे कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या है, एंगल्स हैं, साइड्स हैं, यही तो है, तो ये आपको निकाल देना इनमें से, ठीक है। कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स में हम ट्राइंगल्स के इक्वल एंगल्स और इक्वल साइड्स फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे ये ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल एफईडी है, ठीक है, मैं इसके सबसे पहले कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स लिखती हूँ। कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? ये जो एंगल ए है, ये कॉरेस्पोंडिंग होगा एंगल एफ के, एंगल बी कॉरेस्पोंडेड है एंगल ई के, एंगल सी कॉरेस्पोंडेड है एंगल डी के, ठीक है, ये कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के। अब आते हैं कॉरेस्पोंडिंग साइड्स पे। कॉरेस्पोंडिंग वर्टिसेस भी होते हैं, लेकिन वर्टिसेस बेसिकली एंगल्स में ही कवर हो जाते हैं, तो वो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखते हैं कॉरेस्पोंडिंग साइड्स, यानी संगत भुजाएं। पहले हमने क्या लिखा, संगत कोण लिखे, अब लिखेंगे संगत भुजाएं, यानी कॉरेस्पोंडिंग साइड्स। तो कॉरेस्पोंडिंग साइड्स कौन से होंगे? ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो एफ ई लाइन सेगमेंट का कॉरेस्पोंडिंग होगा, यानी उसके बराबर होगा। सो ए बी, तभी ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट हमें लिख के दे दिया है, हमें सिर्फ इनके कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स लिखने हैं। सो ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो कॉरेस्पोंडेड है एफ ई का, एफ ई, ठीक है। यहां से ऑर्डर में आपको लेने हैं सारे साइड्स। अब लेते हैं बी सी, बी सी जो लाइन सेगमेंट है वो कॉरेस्पोंडेड है ई डी का, कॉरेस्पोंडेड टू ई डी। AC लाइन सेगमेंट AC इज कॉरेस्पोंडेड टू लाइन सेगमेंट FD, ठीक है। तो ये हमारे कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स और कॉरेस्पोंडिंग साइड्स हैं। हमें कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स लिखने के लिए कहा गया था, तो उसके अंतर्गत यही चीजें आती हैं, कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पोंडिंग साइड्स। तो ये हमारे कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FED के।